मैथ्स चैनल डीआरएस मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। ये आज हम सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि सुपर टेट या यूपी टेट के उसमें एग्जाम्स में आने वाले हैं, आगामी एग्जाम्स में आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ उसी में आएंगे, ये क्वेश्चन अक्सर सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट में जरूर से जरूर लिखें। अन अकेडमी पर भी डीआरएस मैथ्स अवेलेबल है, तो आप डीआरएस मैथ्स को अन अकेडमी पर भी फॉलो करिए और वीडियोज़ को वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूं कि मेनली आपसे क्या पूछा जाता है। देखिए, सांख्यिकी में जो भी चीज़ आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर सिर्फ तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन यानी कि उसको आप समांतर माध्य के नाम से भी जानते हो, अर्थमेटिक मीन बोलते हो या फिर नॉर्मली मीन या माध्य बोलते हो, ठीक है। मीन को जब आप प्रदर्शित करते हो एक्स के ऊपर ऐसे बार, जैसे एक्स लिखा उसके ऊपर ये बार, इसको बोलते हैं एक्स बार। इसको आप एवरेज भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आप इसको निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं कैसे, जितने भी पद, जितनी भी संख्याएं नंबर दिए गए हैं सबका योगफल अंश में, और कुल कितने पद हैं पदों की संख्या से उसको भाग दे दो, यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मीन मीडियन मोड का जो वीडियो है आप उसको भी एक बार देख लीजिए। यहां पर मैं सिर्फ जस्ट रिविजन करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मीडियन का मतलब मध्य का, मध्यिका का मतलब जो सबसे बीच में, मध्यिका मध्य में आने वाला नंबर, ठीक है। तो मध्य में कौन आएगा वो जानने के लिए सबसे पहले डेटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा, या तो बढ़ते या फिर घटते क्रम में। तो बढ़ते या घटते क्रम में जब आप पदों को जब लिखोगे तो जो पद सबसे बीच में आने वाला है, बीच में आने वाले पद को ही मध्यिका कहते हैं। कैसे निकालना है वो हम आपको सिखाते हैं। अब फिर ये चीज, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए कि अगर पदों की संख्या विषम है, ऑड है, तो मध्यिका कैसे निकालोगे, जो पदों की संख्या है उसमें एक जोड़कर उसका आधा कर दो, जो नंबर आएगा वो पद जो है कि आपकी मध्यिका होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहां पर लिखा ये पांच नंबर है, तो पांचों आप देखो पहले घटते या बढ़ते क्रम में है कि नहीं, तो देखो ये बिल्कुल बढ़ते क्रम में लगाए गए हैं। तो जो नंबर सबसे बीच में आता है वही आपकी मध्यिका हो गई, यानी कि अगर आपसे पूछे कि मध्यिका क्या है तो आप यहां पर लिख दोगे मध्यिका 11 है। लेकिन अगर फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए यहाँ तो पांच है, आप काउंट कर सकते हो, ज्यादा संख्या होने पर क्या करेंगे, तो जैसे देखो पदों की संख्या कितनी हो गई, n बराबर 5 हो गया, 5 यहाँ पर जब आप रखोगे तो देखो क्या लिखोगे, 5 + 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6/2, 6 को जब 2 से काटोगे 6/2 तो आ गया कौन सा, तीसरा पद, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म। तो तीसरा पद कौन सा है, अब इसमें देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीसरा पद है वही आपकी मध्यिका है। लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना, जितने भी संख्या लिखी गई है सबको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिखो, जो नंबर सबसे बीच में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2, 9, 11, 15, 18, 20, 25, इस तरह से हमने ये लिख दिए, ठीक है। अब आपसे पूछे कि आप बताइए मध्यिका कौन सी है, तो आप देखो तीन नंबर इधर से, तीन नंबर इधर से छोड़ दो, बीच में आ गया 15, यही आपकी मध्यिका हो गई, ठीक है। जब पदों की संख्या विषम होगी तो एक नंबर ऐसा होगा जो बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि इधर और इधर बराबर बांटने के बाद में एक नंबर बच जाएगा जो बिल्कुल बीच में आएगा। अगर पदों की संख्या सम हुई तब क्या होगा, अब देखो अगर पदों की संख्या हमारे पास अगर सम हो जाती है, इवन है, तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल बीच में कोई नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए भाई, अगर पदों की संख्या यहां पर देखिए 6 है, तो इधर से 3, इधर से 3 निकाल लिया, 20 तो यहां पर आ रहा है, तो बिल्कुल बीच में कोई नंबर है नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि एक पद पहले और एक पद बाद में दोनों को जोड़ के उसका आधा करना है, यानी कि आपको सिर्फ लिखना है 15 + 18/2। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 10 20 8 28 5 33, तो ये आ जाएगा 33/2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2, और क्या आ जाएगा, 2 6 12 = 5, 16.5 आपका मीडियन हो गया, ठीक। लेकिन अब यहां पर था तो आपने काउंट करके देख लिया कि भाई कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो बीच वाले जो दो नंबर बीच के हैं उन दोनों को जोड़ के आधा करना है। लेकिन ऐसा तब करना है जब पद बढ़ते या घटते क्रम में लिखे गए हों। सबसे पहला काम करना है पदों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले लिखना है, मतलब छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ पहले लिखना है, फिर ये काम करना है,
ठीक है, तो यही चीज निकालने का तरीका ये जो फॉर्मूला बताता है आपको वो ये बताता है भाई n बाई टू अथ, यानी कि यहां पर देखो n बराबर कितना है 6 है, तो n बाई टू करो तो 6 बटा 2 करोगे तो क्या आएगा थर्ड टर्म, तो इसका मतलब तीसरा पद जो हुआ वो फिर n बाई टू प्लस 1, यानी कि इसमें एक और जोड़ो तो अगला कौन सा आएगा फोर्थ टर्म, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों पद को जोड़ करके उसका आधा कर देना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि जितने पद दिए गए हों उनका आधा कर लो, जैसे ही आधा करोगे वो नंबर उसके जस्ट बाद वाला नंबर दोनों को जोड़ो उसका आधा कर दो, लेकिन ऐसा तभी करो जब पद बढ़ते या घटते क्रम में हो, इस बात का याद रखिए। तीसरी चीज आपसे पूछता है कि बहुलक क्या है, मोड, यानी कि ये बहुलक क्या होता है, तो जो पद सबसे अधिक बार आता है उसी को हम क्या बोलते हैं बहुलक। जैसे ये एक उदाहरण दिया गया, इसमें जो नंबर है वो है 2, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 7, 6, 8, आपसे पूछे कि इसका बहुलक आप बताओ। अब देखो बहुलक के लिए सबसे पहले देखो दो कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो दो जो है वो कितनी बार हो गया, दो आया है 3 बार, तीन कितनी बार आया, एक, दो, तीन आया है 2 बार, और कोई नंबर है, पांच भी कितनी बार आया है, 2 बार, फिर उसके बाद और कोई नंबर है, 4, तो एक ही बार आया हुआ है, 6 आया है 2 बार, 6 हो गया 2 बार। ठीक है, इन सब में दो ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो यहां पर आपका जो मोड होगा यानी कि जो बहुलक होगा उसका मान क्या हो जाएगा, दो, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि संख्याएं सबसे अधिक बार नहीं होंगी, जैसे मान लीजिए केवल इस तरह से आ जाए 2, 3, 5, 6, केवल 4 नंबर ऐसे दे दिया, या हर नंबर एक ही बार आया है और आपसे पूछे कि इसका बहुलक बताइए, उस स्थिति में जब आपको मोड निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। इस फॉर्मूले में क्या है कि भैया मध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, मध्यिका के 3 गुने में से माध्य का 2 गुना माइनस कर दो, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मोड। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, यानी कि आप माध्य निकालोगे, फिर मध्यिका निकालोगे, फिर ये फॉर्मूला लगा करके बहुलक निकालोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तब करना है जब सभी संख्याएं कितनी बार आई हों, सब जो है कि बराबर बार आई हों। बहुत बार ऐसा भी होगा कि दो नंबर बराबर बार आए होंगे, जैसे यहां पर दो, अब मान लीजिए इसी उदाहरण में मैं एक बार 3 और लिख दूं, तो 3 भी कितनी बार हो जाता, 2 कितनी बार हो गया, 3 बार, और 3 भी हो गया 3 बार, तो इस स्थिति में बहुलक क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो आपका मोड होगा या मत बहुलक होगा वो 2 भी होगा और 3 भी होगा, क्योंकि दोनों सबसे अधिक बार आए हुए हैं। लेकिन अगर उत्तर में ऑप्शन में जैसे मान लीजिए आपको पहला ऑप्शन दे दिया 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया 4, तीसरा ऑप्शन दे दिया 5, चौथा ऑप्शन दे दिया 7, तो बहुलक में 2 और 3 दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन में 2 है तो आंसर 2 हो गया। कभी अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया कि 2 और 3 दोनों दे दिया, हालांकि ऐसा कभी देगा नहीं, जब ऐसा देगा तभी दिक्कत होगी। ठीक है, जब वो दोनों ही ऑप्शन उसमें आंसर में दिए गए हों तब आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, इस स्थिति में आपको जो आंसर निकल के आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, वो ये चीज है, ये मोड 2 और 3 दोनों ही होगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आते हैं और कैसे प्रैक्टिस करना है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए, तो इसके लिए आपको संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप लोग जो है कि नंबर सिस्टम के वीडियोस को देख जाइए, उसमें पूरे नंबर्स को हमने बताया है। पूर्ण संख्याओं का मतलब संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 5 संख्याएं क्या होंगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो इन चारों को, 5ों को जोड़ लीजिए, संख्याएं कुल कितनी है 5, तो 5 से भाग दे दीजिए, जोड़ेंगे 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10/5 मान आ गया 2, तो ये आपका माध्य हो गया। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना हो गया, औसत पूछे या माध्य पूछे मतलब एक ही है, और वो कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही दिया क्वेश्चन कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसकी 8 पारियों में जो उसने रन बनाए वो है 90, 10, 45, 54, 30, 45, 76 और 58। अब आपसे पूछा कि उसके रनों का, उसका जो है कि माध्य स्कोर बताओ या औसत रन बताओ या उसका औसत बताओ, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सभी रनों को जोड़ जाइए, 8 पारियां हैं तो 8 से भाग देंगे, सभी को जोड़िए, 90 प्लस 10 100 प्लस 45 प्लस 54 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 76 प्लस 58, सबको जोड़ेंगे 408 आएगा, 8 से भाग दीजिए, 8 5 40, 8 आया 8 1 8, तो उसका औसत कितना हो गया, 51 रनों का हो गया। इसी क्वेश्चन के लिए अगर आपसे उसका पूछता कि उसका जो बहुलक बताइए या उसका मोड
मोड आप बताइए। तो अब आप देखिए मोड का मतलब जो रन जो सबसे ज्यादा बार हो, तो आप देखेंगे कि 45 दो बार आया हुआ है, ठीक है। और कोई नंबर ऐसा है जो दो बार है? नहीं है। तो आपका मोड यानी कि बहुलक कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि प्रथम सात अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए, तो सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं के लिए प्रथम सात अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर ग्यारह, फिर तेरह, फिर सत्रह। अभाज्य संख्याएं क्या है उसके बारे में ये भी आप नंबर सिस्टम में देखेंगे, प्राइम नंबर्स करके वीडियो हमने बनाया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर्स के बारे में प्लीज नंबर सिस्टम जरूर से देख करके जाइए अगर आप सुपर टेट का मेंस देने जा रहे हैं तो, ठीक है। अब आप आगे देखिए, इन सभी को आप जोड़ दीजिए, तो 13, 17, 30, 10, 40, 41, 7, 48, 2, 50, 8, 58, 58 को 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7, 8, 56, 8 सही 2 बटा 7 लिखो, दशमलव में 8.285 लिखो, या फिर 5 को हटा देंगे तो लगभग 8.29 लिख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि ये आंकड़े आपको दे दिए गए और आपसे पूछा गया इनके मध्यिका बताइए, तो हमने बोला है मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले पदों को घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा 17, फिर 18, फिर उसके बाद क्या आएगा 24, फिर आएगा 25, उसके बाद क्या आएगा 35, फिर 36, फिर 46, उसी ऑर्डर में लिख दिया। अब आप क्या करो, इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, बीच में जो नंबर आया वही आपकी मध्यिका हो गई, यानी आपकी मध्यिका हो गई 25, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए नंबर हैं 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखो 20 को अगर मैं देखूं तो एक बार, दो बार, फिर इधर जाऊं तो तीन बार, चार बार, 20 चार बार आया है। क्या कोई और एक नंबर ऐसा है जो चार बार आया हो? तो आप इसमें देखोगे तो 19, 25, 23, 9, 15, यहां तक कोई रिपीट नहीं हुआ, 10, 5, 16, 25, 25 दो बार हुआ, 24 बार है, 25 दो बार आया लेकिन 20 चार बार, तो बहुलक क्या हो गया? 20 हो गया। सबसे आसान है, जो सबसे ज्यादा बार आया वही आपका बहुलक हो गया। आगे देखिए, ये अगला क्वेश्चन जैसे इस तरह से आता है कि निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं, जैसे मध्यिका देखो सबसे पहले देखो कि वो घटते या बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं कि नहीं। तो आपका है 13, 16, फिर 12, फिर 14, फिर 19, फिर 12, 14, 13, 14, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये अरेंज नहीं है, इनको पहले आप छोटे से बड़े में लिखो। सबसे छोटा 12 है, 12 दो बार आया तो दो बार 12 लिखा, फिर 13 एक, दो बार 13 है, दो बार 13 लिखा, 14 एक, दो, तीन बार 14 है तो तीन बार 14 लिख दिया। उसके बाद क्या बचता है? 16, तो 16 लिखा, फिर 19। अब घटते से बढ़ते क्रम में हो गया। मध्यिका मतलब बीच में आने वाला नंबर, इधर से तीन नंबर छोड़ो, इधर से तीन नंबर छोड़ो, अभी तीन बचे, एक नंबर और इधर से कवर करो, एक नंबर और इधर से कवर करो, सबसे बीच में कौन सा नंबर आ गया? 14। तो आपका आंसर क्या हो गया? 14। सिंपल, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता कोई। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक आंकड़े का माध्य कितना है? 15, मध्यिका 13.5 है, तो बहुलक बताइए। सिंपल सा तरीका था भाई, जब माध्य और मध्यिका दिया हुआ है तो बहुलक बराबर होता है 3 × मध्यिका माइनस 2 × माध्य। 13.5 का 3 गुना करो तो क्या हुआ? 3 5 15 का 5 1, 3 3 9 1 10 का 0, 3 एकम 3 1 4 40.5, और 15 दूना 30 हो गया। तो इसमें से 30 माइनस करेंगे तो 10.5 हो गया। इधर देखिए दिया हुआ है कि अगर 8, 13, 17, 2x और 20 इनका समांतर माध्य अगर 18 है तो x का मान बताइए। जब भी इस तरह से दिया हो तो आप क्या करो, सीधा सीधा लिखो भाई माध्य बराबर क्या होता है? सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ दो। तो 8 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 2x प्लस 20, और कुल कितने पद हैं? 3, 4, 5, तो 5 से भाग दे दो। अब देखो माध्य की जगह पे जो मान दिया गया वो लिख दो 18, 5 यहां भाग दे रहा तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 18 5 90 हो गया। सबको जोड़ो, 13 17 कितना हो गया? 30, 20 50, 8 58 और प्लस 2x, तो 58 प्लस 2x ये बराबर हो जाएगा 90, तो 2x बराबर 58 उधर जाएगा माइनस होगा यानी कि 32, 2x अगर 32 है तो x का मान कितना हो गया? 16 हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 20 तक में 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि भैया 3 का टेबल पढ़ो जो 1 से 20 के बीच में, ऐसे नंबर जो 3 से कट जाते हो। तो एक 3 हुआ, 3 दुना 6, 3 तीन 9, 3 चौको 12, 3 पच्चीस 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 21 होता जो 20 के बाहर हो गया। तो 1 से 20 के बीच में ये कुल 6 संख्याएं हैं, तो सबको जोड़ करके जितनी नंबर हैं उतनी संख्या 6 से भाग दे दो। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो आ गया 63, 6 से भाग दोगे तो 6 एक कम 6,
तीन आया, जीरो कुछ नहीं हुआ, दशमलव लिखा तो 30 हो गया, 6 5 30 10.5 इसका हो गया समांतर माध्य। ऐसे ही क्वेश्चन ये आया कि 12 10 15 7 तथा x, इसका समांतर माध्य अगर 10 है तो x का मान बताइए। वही तरीका, सबको जोड़ करके उनके संख्या से भाग दे दो, डिवाइडेड बाय ये, और बराबर लिख दो जो समांतर माध्य है। तो 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5 बटा 5 बराबर 10, सबको जोड़ा तो 44 प्लस x, 5 इधर जाके 10 में गुणा किया तो 10 5 50, x बराबर 44 ऐड हो रहा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर हो गया 6। अब देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। देखिए समांतर माध्य की जगह औसत भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि समांतर माध्य को औसत भी बोलते हैं। तो 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है, एक संख्या निकाली गई उसके जगह पर 40 उसमें जब डाला गया तो अब नया समांतर माध्य 28 हो गया। समांतर माध्य या औसत दोनों चीजें वो यूज कर सकते हैं, 28 हो गया तो निकाली गई संख्या का मान निकालिए। तो इसका तरीका ये है, सबसे पहले हम ये निकाल लें कि पहले हमारा मान क्या था। तो एवरेज गुणे संख्या जब करेंगे तो कुल मान मिल गया पहले वाला, पहले एवरेज 27 था गुणे 5 किया 135 आ गया। बाद में एवरेज 28 हो रहा है तो टोटल नंबर अभी भी 5 ही है तो 28 गुणे 5 मान हो गया 140, दोनों का अंतर निकालिए तो आ गया 5, यानी पहले मान 135 था अभी 140 हो गया। तो मान कितना अंतर आया, 5 का अंतर आया। कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है। कब बढ़ा, जब उसमें 40 रखा गया, ठीक है। 40 जब रखा गया तो मान 5 ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि 40 में से 5 घटाना है और आपका आंसर आ जाएगा 35। तो निकाली गई संख्या कितनी थी, 35, ठीक। अगर ये मान कम हो रहा होता तो ये जो अंतर था उसको जोड़ देते हैं, आई बात समझ में। दूसरा तरीका ये है कि पहला एवरेज बाद का एवरेज, दोनों एवरेज लिखो, जो औसत या माध्य वो लिखो, इनका अंतर कितना आ गया 1, कितनी संख्याएं हैं 5, तो इसका गुणे 5 कर दो, मान आ गया 5। अब ये 5 का जो अंतर है, देखो समांतर माध्य बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मान घटाना है, ठीक। अगर कम हो रहा होता है तो इसको जोड़ते हैं, बढ़ने पर घटाएंगे, घटने पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब निकाली गई संख्या क्या हो गई, 40 माइनस 5 बराबर 35। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा वीडियो ऑलरेडी है मीन मीडियन मोड का, उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ये क्वेश्चंस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए यूट्यूब में जाना है, DRS मैथ सर्च करना है, प्रोफाइल पिक्चर को टच करेंगे तो ये इस तरह से तीन ऑप्शन मिलेंगे, होम लिखा होगा सबसे टॉप पर, बगल में वीडियो लिखा होगा, फिर प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट को जैसे टच करेंगे चैप्टर वाइज सारे वीडियोज मिल जाएंगे आपको, एग्जाम वाइज चैप्टर वाइज, खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के आपके कुछ और सॉल्यूशंस को, तब तक देखते रहिए वीडियोस बाय DRS मैथ्स।